गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वीएन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी टीजीटी की, यूपी पीजीटी की और यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें हमने पीजीटी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हम तैयारी कर रहे हैं। इसमें हमने काफी वीडियोस देख ली हैं, जैसे समाजशास्त्र के सिलेबस के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में। इन वीडियोस को आप लोग पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में हम जानेंगे कि आखिर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र है क्या। पहले तो इस वर्ड को समझते हैं कि ये वर्ड विषय क्षेत्र क्या होता है। विषय क्षेत्र का मतलब वो है कि कोई भी सब्जेक्ट उसकी सीमा जहां तक होती है कि जहां तक उस क्षेत्र की मतलब उस सब्जेक्ट के क्षेत्र की पहुंच हो। मतलब आप समझ रहे हैं, ये मान लीजिए आपका सोशियोलॉजी है, इसकी विषय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो विषय क्षेत्र वो है जहां तक ये सीमा, मान लीजिए ये सीमा है, इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आ जाएं, जहां तक इसकी पहुंच हो, यही आपका क्या है, विषय क्षेत्र है। ठीक, यानी कि वह सीमा जहां तक किसी भी विषय की पहुंच हो, यानी सोशियोलॉजी की पहुंच हो, जहां तक इसकी स्टडी की जा सकती है, जिन जिन टॉपिक्स, जिन जिन क्षेत्रों में, वही क्या कहलाता है, सोशियोलॉजी का विषय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो मैं रब करने के लिए कुछ देख लेती हूँ। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे देखिए, सोशियोलॉजी का जो विषय क्षेत्र है उस पर कोई एक मत नहीं है विद्वानों के, अलग अलग संप्रदायों के द्वारा अलग अलग मतलब लोगों ने अपना व्यू प्रेजेंट किया है कि आखिर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र कहाँ तक है, कहाँ तक उसकी पहुंच है, क्या क्या स्टडी किया जाना चाहिए इसके अंतर्गत, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम यांत्रिक संप्रदाय के बारे में बात करेंगे कि आखिर यांत्रिक संप्रदाय है क्या, इनमें कौन कौन से विद्वान हैं और वो क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन कहाँ तक, किस क्षेत्र तक और कैसे किया जाना चाहिए। फिर हम देखेंगे भौगोलिक संप्रदाय के बारे में, उसकी डिटेलिंग। फिर हम स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में ही जानेंगे, जिसमें से इन चारों में से जो आपके ये दो लास्ट वाले हैं, स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम स्टडी करते हैं। हमारा पहला संप्रदाय क्या है, यांत्रिक संप्रदाय। यांत्रिक जो संप्रदाय है, यांत्रिक वर्ड ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि इस संप्रदाय के अंतर्गत कुछ यंत्रवत, यानी कि कुछ उस तरह से रिलेटेड चीजों का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि इसमें जुड़े हुए, यांत्रिक संप्रदाय के अंतर्गत जुड़े हुए जितने भी विद्वान हैं, उनका मानना है कि जो समाजशास्त्र है उसका अध्ययन, सामाजिक घटनाओं का जो अध्ययन है, वो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र व यांत्रिकी के आधार पर किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी नहीं समझ में आया होगा, आप एग्जाम्पल को देखिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये हर सामाजिक घटना, कोई भी सामाजिक घटना है, चाहे वो दहेज है, चाहे किसी की मृत्यु की घटना है, मतलब समाज की किसी भी घटना का ये मतलब विवेचन प्रस्तुत करते हैं या उसे उस पर अपना व्यू प्रेजेंट करते हैं, तो किस रूप में करते हैं, यांत्रिकी रूप में, यानी उसे भौतिक के रूप में, भौतिक शास्त्र की तरह से या केमिस्ट्री की तरह से या यांत्रिकी की तरह से प्रेजेंट करते हैं। कैसे, एग्जांपल देखिए, ये मृत्यु की घटना की तुलना करते हैं घड़ी की सुइयों के रुक जाने से। घड़ी की सुइयां जिस तरह से रुक जाती हैं, उसी तरह मनुष्य के जीवन का समापन भी क्या का रुकना भी क्या है, उसकी मृत्यु है। तो इन्होंने तुलना किसे कैसे किया, मृत्यु की तुलना किया इन्होंने यांत्रिकी यानी घड़ी की यंत्र से, घड़ी नामक यंत्र से इसकी तुलना की। तो इसी तरह कहा जाता है कि यांत्रिकी संप्रदाय के अंतर्गत हर सामाजिक घटना की जो तुलना है, सामाजिक घटना को मतलब पढ़ने का जो एक तरह से कह लीजिए वो आधार है, वो इसके आधार पर होता है। यांत्रिक चीजों से, भौतिक या रासायनिक चीजों से इसकी तुलना की जाती है। जैसे इसमें देखिए, इन्होंने मृत्यु की तुलना कैसे, घड़ी से की है। ठीक, आगे देखते हैं, देख लेते हैं इसमें कौन कौन से जो विद्वान है आपके, कौन कौन लोग इसका समर्थन करते हैं। तो इसमें डेस्कार्ट्स हैं, फिर उसके बाद हॉब्स हैं, फिर है बेगल, फिर जॉर्ज बर्केल हैं। अब आप देख लीजिए, इसमें जो
अलग अलग विद्वान है उन्होंने कहा जो आपके हॉब्स और डिस्कार्ड महोदय हैं, हॉब्स और डिस्कार्ड महोदय इन्होंने कहा है कि जो मृत्यु है उसकी तुलना इन्होंने घड़ी की सुइयों के रुक जाने से की है। कैसे की है? घड़ी की सुइयों के रुक जाने से की है। ठीक, घड़ी की सुइयों के रुक जाने से इन्होंने इस तुलना की है किसकी? मृत्यु की। मृत्यु क्या है? एक सामाजिक घटना है। आगे देखिए किसने किया है, डेस्कॉट और हॉब्स ने किया है। आगे अगर आप आते हैं बेगल महोदय पे आते हैं, तो बेगल महोदय ने सामाजिक घटनाओं का की जो तुलना है, सामाजिक घटनाओं का जो विवेचन और विवरण है वो किसके आधार पर किया है? वो इन्होंने मैथ्स के आधार पर किया है। किसी भी घटना को इन्होंने उसके लाभ हानि के स्वरूप में जोड़ने और विवरण करने का कार्य किया है। इन्होंने कहा है कि इसका जो विषय क्षेत्र है वो इनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जॉर्ज बर्कले का देखते हैं, तो इन्होंने जो सामाजिक जीवन है, जो हमारा सामाजिक जीवन है, उसे किसे जोड़ने का, इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड से उसे जोड़ने की सलाह दी है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा, उससे हम सामाजिक घटनाओं को जोड़कर ही उसका अध्ययन इस रूप में करते हैं। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम किस में करते हैं? फिजिकल वर्ल्ड के रूप में करते हैं। ठीक, यानी इन सभी विद्वानों ने क्या मतलब समर्थन किया है, इन्होंने कहा है कि ये जो भी घटनाएं हैं, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक जीवन, इन सभी की जो तुलना है या इन सभी का जुड़ाव किस प्रकार से है, वो फिजिकल वर्ल्ड से है, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और यांत्रिकी से है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे भौगोलिक संप्रदाय है, इन्होंने क्या किया है, ऐसा ही इनके वर्ड से, भौगोलिक वर्ड से ही आप समझ जा रहे होंगे कि इस संप्रदाय के लोग जो है वो भौगोलिक, यानी कि जो भी भौगोलिक घटनाएं हैं उनसे जिम्मेदार माना है, और इन्होंने उससे जोड़ करके अध्ययन करने को कहा है। जैसे कि आप देखिए, जो आपके बोडिन महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि जो मनुष्य की प्रकृति है, प्रकृति मतलब इंसान कैसी प्रकृति का है, उसका नेचर कैसा है ना, वो हसमुख है या गुस्से वाला है, ये सब डिपेंड किस पे करता है? जलवायु पर, यानी भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इन्होंने आपने देखा कि सामाजिक घटनाओं को किससे जोड़ा था? यांत्रिकी से जोड़ा था, और इन्होंने सामाजिक घटनाओं को जो है वो भौगोलिक से जोड़ा है, इसीलिए ये भौगोलिक संप्रदाय है। अब बोडिन महोदय ने कहा है कि जहां पर ठंडी जलवायु होती है, जहां ठंडा प्रदेश है, वहां के लोग कैसे होंगे? हिंसक लोग होते हैं, यानी कि गुस्से वाले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, हिंसक होते हैं, ये उनका अपना मानना है। ठीक, उस तरह से जुड़ा है। और जो समशीतोष्ण होते हैं, यानी जहां पर ना ही बहुत ज्यादा ठंड होती है ना ही बहुत ज्यादा गर्म होती है, दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है गर्म और ठंड का, वहां पर मौसम ऐसा होने के कारण कैसे लोग होते हैं? वहां के लोग जो होते हैं वो बौद्धिक शक्ति वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, वो हिंसक नहीं होते हैं, एक बैलेंस्ड नेचर उनका होता है। तो इन्होंने जलवायु से जोड़ने का कार्य किया है। अब हम देखते हैं मॉन्टेस्क्यू महोदय इसके अगले हैं, इन्होंने क्या कहा है। मॉन्टेस्क्यू जी ने भी जलवायु को ही इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि इसमें जुड़े जितने भी विद्वान आपके आएंगे वो भौगोलिक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए सभी ने किसको महत्व दिया है? भौगोलिक घटनाओं को महत्व दिया है। तो इन्होंने भी जलवायु को ही मनुष्य के लिए जिम्मेदार माना है, उसकी प्रकृति के लिए जिम्मेदार माना है। इन्होंने कहा है कि अगर जलवायु अच्छी है तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, व्यक्ति का स्वास्थ्य जो है वो जलवायु पर ही डिपेंड करता है कि मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा होगा, और वाणिज्य और जो व्यापार है वो भी एक स्वस्थ जलवायु में ही पनप और बढ़ सकता है। आगे देखिए बकल महोदय ने क्या कहा है, इन्होंने जलवायु, भूमि, भोजन व प्रकृति किसके सभ्यता के विकास के लिए जिम्मेदार है। इन्होंने कहा है कि अगर एक अच्छी जलवायु होती है और वहां पर मतलब प्रकृति अच्छी है, भोजन अच्छे से मिल रहा है लोगों को, ठीक, भूमि अच्छी है जहां पर अच्छी खेती हो सकती है, फसल का उत्पादन हो सकता है, तो ये सारी चीजें किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? सभ्यता के विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। वहां पर सभ्यता विकसित होती जाती है जहां पर ये सारी चीजें अनुकूल होती हैं। जहां पर जलवायु अच्छी नहीं है, भूमि अच्छी नहीं है, है ना, वहां पर सभ्यता का विकास नहीं होता है, क्योंकि जब भी भूमि अच्छी नहीं होगी आप फसल नहीं उगा सकेंगे, फसल नहीं उगाएंगे तो आप खाएंगे क्या? जलवायु अच्छी नहीं है वहां पर रहने लायक, जैसे बहुत ज्यादा ठंडा है वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते, या एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा गर्म है तो भी आप वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि इनका कहने का, बकल महोदय के कहने का मतलब है कि जलवायु, भूमि और भोजन का सीधा सीधा प्रभाव सभ्यता के विकास पर पड़ता है। तो ये सभी क्या है, विषय क्षेत्र है
समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र हैं कि समाज शास्त्र की पहुंच कहां कहां तक है, कहां कहां तक उसका अध्ययन किया जा सकता है, किस किस रूप में। फिर है लीपले महोदय, इन्होंने भी भौगोलिक संप्रदाय का ही समर्थन किया है, इन्होंने भी जलवायु को ही इम्पोर्टेंस दी है। उसके बाद है हंटिंगटन महोदय, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने भी कहा है कि जो जलवायु होती है वो सभ्यता के विकास और विनाश दोनों के लिए ही जिम्मेदार होती है। मान लीजिए आप जहां पर रह रहे हो वहां की जलवायु आपके अनुकूल है, उस समाज के अनुकूल है, तो वहां पर सभ्यता का क्या होगा, विकास होगा। मान लीजिए जलवायु जो है वो विपरीत हो जाती है, प्रकृति विपरीत हो जाती है, बाढ़ आ जाती है या किसी तरह का भूकंप या जलवायु ऐसी हो जाती है जहां पर सर्वाइव नहीं किया जाता, तो क्या होगा, वहां पर सभ्यता का विनाश हो जाएगा। यानी कि आप दोनों संप्रदाय में अगर तुलना करते हैं, यांत्रिक और भौगोलिक संप्रदाय में, तो यांत्रिक संप्रदाय में इन्हीं सब घटनाओं को, मनुष्य के जीवन को, मनुष्य की प्रकृति को, सभी तरह की सामाजिक घटनाओं को यंत्रवत रूप से जोड़ने का प्रयास किया गया है, उसे समझाने का प्रयास किया गया है उस तरह से उदाहरण देकर। और भौगोलिक संप्रदाय में आपका भौगोलिक रूप से यानी जलवायु, प्रकृति, भूमि, इन सभी को इम्पोर्टेंस देकर उस रूप में जोड़ने और समझाने का प्रयास किया गया है। आगे अब हम आते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय है। ये स्पेशली जो है ये जॉर्ज सिमेल महोदय का है, सिमेल महोदय का, जॉर्ज सिमेल इनका पूरा नाम है, जॉर्ज सिमेल, ठीक। अब देखिए जॉर्ज सिमेल महोदय जो है इनका है स्वरूपात्मक संप्रदाय, और इस संप्रदाय में पाए जाने वाले जितने भी विद्वान है, पाए जाने वाले से तात्पर्य जो भी जुड़े हुए विद्वान है, उनका मानना है कि समाज शास्त्र एक समान विज्ञान न होकर के एक विशिष्ट विज्ञान है। कैसा विज्ञान है, एक विशिष्ट विज्ञान है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपका और भी अदर जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका हो गया क्या कहते हैं ये आपका साइकोलॉजी हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया आपका, उसकी एक विशिष्ट विषय वस्तु है। जैसे कि आपका केमिस्ट्री है, उसमें क्या अध्ययन किया जाना है डिफाइन है। जैसे बायोलॉजी है, उसका क्षेत्र क्या है, बॉडी से रिलेटेड जितनी भी बायोलॉजिकल चीजें हैं उनका वो अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र के अंतर्गत। मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपके नंबर्स, सिस्टम और इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो इनका एक विशिष्ट विज्ञान है ना कि डिफाइंड है, इस शास्त्र के अंतर्गत इन्हीं चीजों का अध्ययन किया जाएगा। तो ठीक वैसे ही इस संप्रदाय के लोग, स्वरूपात्मक संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि जैसे इन सभी विज्ञानों के सब्जेक्ट डिफाइंड हैं कि उसमें क्या अध्ययन किया जाएगा, विषय वस्तु डिफाइंड है, वैसे ही समाज शास्त्र की भी अपनी एक विषय वस्तु है। समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं, परिवर्तनशील घटनाएं जो भी हैं, उन सभी घटनाओं का अध्ययन ही क्या है, समाज शास्त्र है। उन सभी घटनाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, समाज शास्त्र में किया जाता है। इसीलिए समाज शास्त्र की विषय वस्तु भी क्या है, एक डिफाइंड और विशिष्ट विज्ञान के अंतर्गत समाज शास्त्र को रखा जाता है। अब देखिए इसमें जितने भी लोग हैं कौन कौन से हैं, सिमेल महोदय हैं, वीर कांत हैं, टॉनिज हैं, वॉनविज हैं, मैक्स वेबर हैं, पार्क हैं, बर्गेस हैं, ये सभी लोग किसका समर्थन करते हैं, स्वरूपात्मक संप्रदाय का। यानी कि इनका मानना है कि समाज शास्त्र की अपनी एक विषय वस्तु है, ये नहीं कि समाज शास्त्र वहां भी अध्ययन कर रहा है, वहां भी अध्ययन कर रहा है, इसका कुछ विशिष्ट क्षेत्र नहीं, समाज शास्त्र का अपना एक विशिष्ट क्षेत्र है। समाज शास्त्र अन्य शास्त्रों की तरह, अन्य जैसे आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में अतीत की, वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसमें आपके हिस्ट्री में अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, तो डिफाइंड है। उसी तरह समाज शास्त्र भी एक विशिष्ट विज्ञान है, उसमें भी डिफाइंड है, उसका भी विषय क्षेत्र डिफाइंड है कि किसका अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए इसमें जुड़े हुए लोगों का नाम जो है हमने पूरा देख लिया है कौन कौन है, अब इंडिविजुअली देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे आपके जॉर्ज सिमेल महोदय है, इन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का न कि उसके अंतर वस्तुओं का अध्ययन करता है समाज शास्त्र। इन्होंने कहा है कि जो जॉर्ज सिमेल महोदय हैं, उन्होंने कहा है समाज शास्त्र किसका अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, ना कि उनकी अंतर वस्तुओं का अध्ययन करता है। अब देखिए सामाजिक संबंध क्या है और अंतर वस्तु क्या है, तो सामाजिक संबंध आपके हो जाते हैं समाज में जो भी संबंध पाए जाते हैं वो क्या है, सामाजिक संबंध है। जैसे समाज में सहयोग का संबंध पाया जाता है, हम में आप में सहयोग का संबंध है, प्रतिद्वंदता जहां पर जिन लोगों में लड़ाई है उनमें प्रतिद्वंदता पाई जाएगी, यानी ये सब सामाजिक संबंध है, अनुकरण है, प्रभुता है, श्रम विभाजन है, ये सब क्या है, सामाजिक संबंध आ जाते हैं, और इन्हीं का अध्ययन समाजशास्त्र के
अंतर्गत किया जाता है जॉर्ज सिमेल के अनुसार। और जॉर्ज सिमेल ने अंतर्वस्तु के अंतर्गत किसका क्या क्या चीजें रखी है, जैसे आर्थिक संघ हो गया, धार्मिक संघ हो गया, राजनीतिक दल हो गया, इन्होंने कहा कि इसके लिए अलग विज्ञान है, अलग विज्ञान में इसका अध्ययन होगा। अंतर वस्तुओं का अध्ययन समाज शास्त्र के अंतर्गत नहीं होता है, समाज शास्त्र के अंतर्गत सिर्फ सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है, जैसे कि सहयोग, प्रतिस्पर्धा और भी जितनी भी तरह की सामाजिक आपकी संबंध है। तो ये बताने का प्रयास किया है जॉर्ज सिमेल महोदय ने। अब हम देखते हैं वीरकांत महोदय ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि जो समाज शास्त्र है वो मानसिक संबंधों का के स्वरूपों का अध्ययन करता है। जैसे मानसिक संबंधों के स्वरूप क्या हो सकते हैं, मानसिक रूप से हम एक दूसरे से कैसा संबंध बनाते हैं, किसी के साथ हमारा जुड़ाव होगा, किसी के साथ हमारी घृणा होगी, किसी के साथ हमारा ठीक ठाक का संबंध होगा, तो इन्हीं सारे संबंधों का अध्ययन करना, मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसमें किया जाता है, समाज शास्त्र में किया जाता है, वीरकांत महोदय ने कहा है। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, आपका सहयोग हो गया, संघर्ष हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, ये सभी क्या है, मानसिक संबंधों के स्वरूप है और इन्हीं का अध्ययन किया जाता है आपके विशिष्ट विज्ञान यानी कि समाज शास्त्र के अंतर्गत। ये ही उसका विषय क्षेत्र है ना। विषय क्षेत्र के रूप में डिफाइन किया, विषय क्षेत्र के रूप में जॉर्ज सिमेल ने सामाजिक संबंधों को डिफाइन किया है, कहा है कि उसका ये विषय क्षेत्र है। फिर वीरकांत महोदय ने मानसिक संबंधों को उसका विषय क्षेत्र माना है समाज शास्त्र का। फिर टॉनिस महोदय आपके वॉनविज जो महोदय है, वॉनविज महोदय ने कहा कि जो सामाजिक क्रियाएं हैं, समाज में जो भी क्रियाएं हैं, सामाजिक क्रियाएं जो है वो समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया स्वरूपात्मक संप्रदाय। अब हम आते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय क्या है, ये वो संप्रदाय है जिसमें जो भी लोग जुड़े हैं उनका कहना है कि समाज शास्त्र कोई विशिष्ट विज्ञान नहीं है, बल्कि समाज शास्त्र एक समान विज्ञान है, जनरल विज्ञान है, इसके अंतर्गत जनरल चीजों का अध्ययन भी हो सकता है। इसमें कौन कौन है, जैसे आपके हाउस महोदय हैं, दुर्खीम है, ठीक, सोरोकिन है, इन लोगों ने कहा है कि समाज शास्त्र क्या है, सामान्य विज्ञान है। अब देखिए दुर्खीम महोदय ने क्या कहा है, दुर्खीम ने सामूहिक प्रतिनिधान, ठीक, सेट ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, इसका क्षेत्र बताया है समाज शास्त्र का। और अगर आपसे पूछा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है, ठीक, तथ्यों का को किसने दिया है, ठीक, सामाजिक तथ्य किसने दिए हैं, तो ये आपका दुर्खीम महोदय ने इसे दिया है, डिराइव्ड बाय दुर्खीम महोदय, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं सोरोकिन महोदय, इन्होंने कहा है कि सामान्य तत्वों का अध्ययन होता है समाज शास्त्र में, यानी समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, सामान्य है, ना कि कोई विशिष्ट। जैसे अभी इन लोगों ने क्या कहा, स्वरूपात्मक ने कहा कि ये एक विशिष्ट विज्ञान है, लेकिन इन लोगों ने कहा सामान्य विज्ञान है। अब देखिए कैसे सामान्य विज्ञान है, ये बताने का प्रयास किया है सोरोकिन महोदय ने। इन्होंने अलग अलग संबंध रख दिए हैं, जैसे कि आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, धार्मिक संबंध, वैचारिक संबंध और मनोरंजनात्मक संबंध। अब देखिए धार्मिक संबंध में इन्होंने कहा कि मानिए ये एलिमेंट है आपके ए बी सी डी ई एफ, ठीक। फिर आपका राजनीतिक संबंध है, इसमें क्या है ए बी सी जी एच आई, यानी आपका ए बी सी कॉमन है आपके आर्थिक संबंध और राजनीतिक संबंध में भी, अलग क्या है डी ई एफ उसमें है और इसमें क्या है जी एच आई है। तो अगला देखिए धार्मिक में क्या है, इसमें भी तीन आपके कॉमन है यानी ए बी सी और फिर है आपका जे के एल, ये है आपके धार्मिक संबंध के अंतर्गत आते हैं। ये एक एग्जाम्पल देने का इन्होंने प्रयास किया है। फिर वैधानिक में देखिए ए बी सी एम एन ओ है। फिर आपका मनोरंजनात्मक में क्या है ए बी सी पी क्यू आर है। अगर आप ध्यान दें, ध्यान से देखें, तो ये जो स्टार्टिंग के तीन है आपके ए बी सी, ये आपका हर में सेम होता है, यानी इन्होंने कहा कि हर एक विज्ञान, हर एक क्षेत्र जहां पर समानता पाई जाती है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र की कुछ चीजें जो समान होंगी, राजनीतिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र की जो कुछ चीजें समान होंगी, या मनोरंजन, धार्मिक, आर्थिक, इन सब की जो चीजें समान होगी उसी का अध्ययन किसमें किया जाता है, अध्ययन क्षेत्र क्या है, समाज शास्त्र में, ठीक, समाज शास्त्र में, ठीक। ये है आपका इनका मानना क्या,
कि ये सामान्य विज्ञान है, यानी जो भी सामान्य एलिमेंट पाए जाते हैं इन एलिमेंटों का अध्ययन ही समाज शास्त्र में किया जाता है, यही उसकी विषय क्षेत्र है, ना कि ये वाले पार्ट, है ना, ना कि ये वाले पार्ट, विशिष्ट वाले पार्ट, जो भी पार्ट अलग है उनका अध्ययन इसमें नहीं किया जाएगा। ये जो अलग पार्ट है वो आपका आर्थिक में किया जाएगा, अगर आर्थिक का है तो राजनीतिक के अलग पार्ट है तो राजनीतिक संबंध में किए जाएंगे। ठीक, तो आप मुझे लगता है इतना अच्छे से समझाने के बाद समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है विशिष्ट विज्ञान और सामान्य विज्ञान मानने में समाजशास्त्र के। जो लोग समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानते हैं वो कहते हैं कि इन एलिमेंट्स का अध्ययन किया जाता है, यानी समाजशास्त्र का जो एक अपना अलग क्षेत्र है सामाजिक घटनाओं का, मानसिक स्वरूपों का, इन सभी का अध्ययन, यानी एक विशिष्ट डिफाइंड उसकी मतलब सब्जेक्ट मैटर है कि इसी का अध्ययन किया जाएगा उसमें, ये विशिष्ट वाले कहते हैं। और सामान्य वाले भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, समाजशास्त्र का कुछ भी डिफाइंड नहीं है, वो एक सामान्य विज्ञान है, जनरल है, सभी में पाई जाने वाली जो जनरल चीजें हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में, यही उसकी विषय क्षेत्र होती है, विषय वस्तु होती है। ठीक, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर बात आप लोगों तक सच में पहुंची है जितना मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं शेयर करने के लिए आपसे हर वीडियो में इसलिए कहती हूँ क्योंकि काफी समय से इस चैनल पे वीडियोस पड़ नहीं रहे थे कुछ रीजन की वजह से। तो क्या है, YouTube इसका जो नोटिफिकेशन है वो हमारे सारे सब्सक्राइबर तक भेज नहीं रहा है, जिस वजह से व्यू नहीं इसका ठीक से लोगों तक पहुंच रहा है। इसलिए आप जो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे तो आराम से जितनी भी हमारी चीजें हैं वो क्या है हमारे पहुंच जाएंगी मतलब लोगों तक, है ना, इसकी नोटिफिकेशन। तो आप इसको शेयर कीजिएगा, बस आपसे यही अनुरोध है, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और इसकी पूरी सीरीज आने वाली है, अगर आपको इसमें कोई समस्या है, कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से आपको समझा दूंगी। चलिए, वीडियो को देखने के लिए, पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।